डॉक्टर हमीद का शेड्यूल कैसे खराब हो गया? वो अभी तक अपने कमरे में क्यों नहीं आया? और उसको होटल में पहुंचे हुए आधा घंटा हो चुका है। एक मिनट। हाँ बोलो। हेलो रावत, ये सारा साइंटिस्ट अभी तक अपने कमरे में नहीं पहुंचा है। तो एक काम करो, नीचे लॉबी में जाके देखो कि बात क्या है। ये देखो। एक मिनट रावत। रावत, साइंटिस्ट 201 में ठहरा हुआ है। क्या? लेकिन अब हमारे प्लान का क्या होगा? क्या हुआ? वो साइंटिस्ट 201 में चला गया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नजर था। अमिंदर, अब हमें क्या करना है? देखो, मैं वापस होटल जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वही कमरा मुझे वापस मिले। बाकी बातें बाद में करेंगे। काम करो रानी, यहां से तुम्हें 201 एकदम साफ नजर आएगा। तुम अपना काम जारी रखो। हेलो मैडम। हेलो सर, वेलकम बैक। क्या हुआ? मैडम, मेरी फ्लाइट मिस हो गई है। कोई कमरा मिलेगा? जी हाँ, अगर आप चाहें तो आपको वही कमरा मिल सकता है। कौन सा? 301? जी हाँ। क्यों, आपके साइंटिस्ट नहीं आए? आए तो हैं, पर वो रूम नंबर 201 में ठहरे हैं। बड़ी अजीब बात है मैडम, पहले इसी साइंटिस्ट की वजह से आप मुझे रूम नंबर 301 नहीं दे रहे थे और अब उन्हीं की वजह से वही रूम दे रहे हैं। रानी, मुझे वही कमरा वापस मिल गया है। दानिश और रावत को जल्दी नीचे आने देता हूँ। ओके। हेलो दानिश, तुम दोनों हरमिंदर के कमरे में नीचे जाओ। ठीक है रावत। अब क्या करेंगे हरमिंदर? उस साइंटिस्ट ने सारा प्लान चौपट कर दिया। बिना प्लान के उसे किडनैप कैसे करेंगे? बावत, कोई नया प्लान सोचते हैं। अरे प्लान बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब चाह तब बना लिया। नया प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब्दुल हमीद को किडनैप नहीं करना है क्या? करना, लेकिन अब प्लान नंबर 2 के मुताबिक। क्या प्लान नंबर 2? लेकिन उसमें तो खतरा ज्यादा है। खतरा पहले वाले प्लान में भी था, लेकिन उसमें खतरा कम था। अगर हम लोग थोड़ी सी होशियारी के साथ काम करें तो प्लान नंबर 2 में भी खतरा कम हो सकता है। हाँ मिंदर। अब्दुल हमीद का है? वो अपने कमरे में। क्या कर रहा है वो? इसका लंच खा के सो रहा है। ठीक है, तुम उसके बारे में मुझे बताते रहना। ओके। तो सन की साइंटिस्ट ने तो हमें फंसा दिया। साले को रूम चेंज करने की क्या जरूरत? देखो,
मेरे हिसाब से तो हमें प्लान नंबर टू के बारे में भूल जाना चाहिए। रावत, अपना हिसाब तुम अपने पास ही रखो तो अच्छा है। हलाली बोलो। अब्दुल हमीद फिर से कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है। अब तक तो ये सब कुछ वैसा ही कर रहा है जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी। साला जब से आया है ये पहली अच्छी खबर तुमने हमें सुनाई। रानी, हम किडनैपिंग प्लान नंबर टू के हिसाब से ही करेंगे। प्लान नंबर टू? पर उससे तो खतरा है। जानता हूँ, लेकिन अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। अब्दुल हमीद वापस कितने बजे आएगा? 7:30 बजे। हरमिंदर, वो कॉन्फ्रेंस से वापस आ गया है और अभी तैयार होकर डिनर रिसेप्शन के लिए जाएगा। कितने बजे? 8 बजे। और वापस कितने बजे तक आएगा? 11 बजे। इसका मतलब 3 घंटे हैं हमारे पास और इन 3 घंटों में हम प्लान नंबर 2 की रिहर्सल करेंगे। रिहर्सल? हरमिंदर, अब भी सोच लो। सोचने का काम तुम मुझ पे छोड़ दो रानी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। और आइए डॉक्टर हमीद, मैं आपको हमारे शहर के मशहूर बिजनेसमैन और न्यूज़पेपर के मालिक से मिलवाता हूँ। प्लीज। पहली बात तो खबर सही हो और नहीं हो। मिस्टर विक्रम जसवाल। डॉक्टर अब्दुल हमीद, कैसे हैं आप? बहुत कुछ सुना था आपके बारे में। अच्छा हुआ आज आपसे मुलाकात भी हो गई। ओह थैंक यू, मुझे भी खुशी है आप यहाँ आए, हमें आपसे मिलने का मौका मिल गया। ये डिनर रिसेप्शन तो एक बहाना है, हमें कभी ना कभी तो आपसे मिलना ही। यदि आप भी जिंदगी के इत्तेफाक में विश्वास रखते हैं। डॉक्टर हमीद, मैं सिर्फ जीने में विश्वास रखता हूँ, बाकी सब कुछ तो चलता ही रहता है। रानी, हम रिहर्सल शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल हमीद, तुम कब जा रहे हो? वो कब जा रहे हो? अपना ये देश छोड़कर बाकी सब साइंटिस्ट चले गए विदेश पैसा कमाने के लिए। पैसा? वैसे एक दिन तुम भी चले जाओगे। तुम क्या समझते हो मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता है। तुम साइंटिस्ट लोग भारत में अपना नाम कमाने के बाद पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हो। तुम जैसे लोगों फांसी दे देनी चाहिए। फांसी? फांसी? हाँ फांसी। नहीं छोड़ो मुझे। आप चलिए इधर, बंगलो चलिए इधर बंगलो। डॉक्टर हमीद, मेरे पास ऐसे गद्दारों की लिस्ट है, तो भारत छोड़कर चले गए। बताऊंगा मैं, बताऊंगा एक दिन सारे गद्दारों के नाम जरूर बताऊंगा मैं। डॉक्टर हमीद, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक है। आज तो ये खिड़की खुली है, कल शायद ना खुली हो, इसे ठीक 10 मिनट और जोड़ने पड़ेंगे।
कल शायद ये शीशा काटना पड़े। टाइम चेक करो। ठीक चलिए आप आइए। आप मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप चलिए चलिए। सर ये वहां बेवजह दंगा कर रहा था, चलिए आप प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप जाइए प्लीज प्लीज जाइए जाइए चलिए चलिए। मागले बात क्या हुई? सर ये डॉक्टर हमीद साहब को तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि ये डॉक्टर हमीद के होटल पहुंच जाए, मैं जाकर देखता हूँ। रुकिए सर, मेरे ख्याल से आपकी जरूरत यहाँ पड़ सकती है, मुझे जाने दीजिए सर। ठीक है बागले, तुम जाओ मैं यहीं रुकता हूँ। ठीक है सर। बागले जी सर, टेक केयर। थैंक यू। एक बात और, किडनैपिंग कल 12 और 3 के बीच में होगी, प्लान चेंज हुआ है, टाइमिंग नहीं। अब मुझे बेहोश करने की एक्टिंग करो और 301 में ले चलो, जल्दी करो जल्दी। तुम लोग यहां चलो, अपने हाथ ऊपर करो, ऊपर करो अपने हाथ। तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं तुम लोग कौन हो? हाँ कौन तुम लोग? मारने की क्या जरूरत थी? इस हरामजादे को नहीं मरता तो ये हम सबको मरवा देता। लेकिन अब हम इसका करेंगे क्या? जो रिहर्सल तुम लोग मेरे साथ करने वाले थे वो अब इसके साथ करेंगे। Thank you.
आप कब तक हैं यहाँ पे? बस ये दो या तीन दिन। अच्छा लीजिए ना। नहीं थैंक यू। एक्सक्यूज मी। या चीफ हरमिंदर। बोलो क्या रिपोर्ट? चीफ हम लोग इस वक्त होटल में, तो पता नहीं है सब इंस्पेक्टर वागले साइंटिस्ट के रूम में कैसे आ गया। हमें उसका खून करना पड़ा। अब कल शाम साइंटिस्ट की किडनैपिंग तक हम वागले की लाश का क्या करेंगे? तुम जानते हो कि मेरे लिए हेडलाइन कितनी जरूरी है। काम कल करने वाले थे वो आज ही कर दो। To your health, Dr. Hamid. Oh, thank you. Thank you. And long life.